अभी तकरीबन मैं 9 से 10 लाख मंथली कमा लेता हूँ। कितने कितने घंटे काम करते हैं आप? मैं कभी 3 घंटे, कभी 4 घंटे। जब मैं इधर लाहौर आया, जब मेरी पहली जॉब थी, वो एक कंपनी थी, कुछ मैं नाम नहीं उनका लेना चाहता। कितना नाम है कोई? अभी मैं रिसेंटली गुजरात से होके आया हूँ और मुझे काम की कोई परेशानी नहीं थी। काम मेरा बेगम के साथ? नहीं, मैं अपने दोस्तों के साथ। बेगम के साथ भी जाते हैं? साथी बेगम के साथ जाते हैं। बिल्कुल साथी बेगम के साथ। सारा थूक फेंक दिया मैंने भाई। सर, ये कहा जाता है कि धोती जो है वो मर्द का लहंगा होती है, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? पहले आपके रिश्तेदारों का आपके साथ क्या एटीट्यूड था जब पतीसा भेजते थे, और अब एटीट्यूड क्या है? मेरे लिए बहुत मुश्किल है बयान करना, क्योंकि मैं बड़ा डिस्कस करते हैं। आप करें बयान, क्यों नहीं करते? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। ये जो मेरे साथ 5 फुट 10 इंच का नौजवान आप देख सकते हैं, 3 पीस इसने जेबे तन कर रखा है और टाई भी बड़ी खूबसूरत लगाई हुई है। ये 2011 में पतीसों की टुकड़ियों को ये बड़ी खूबसूरत पैकिंग में पैक करते थे, जिसके बाद इनको जो दिहाड़ी मिलती थी वो 130 से 135 रुपए पर डे हुआ करती थी। लेकिन जूं जूं वक्त गुजरता गया, इनको ये पता चला कि इनके अंदर एक ऐसी सलाहियत मौजूद है जिससे ये 130 रुपए की दिहाड़ी से बढ़कर अपने आप को 6 से 7,000 डॉलर्स, जी हाँ, मंथली 9 से 10 लाख रुपए ये कमाने लगे हैं। इनकी स्टोरी है क्या, ये हम इन्हीं से जानेंगे। 2011 में आज से 10 साल पहले ये इंतहाई गरीब थे, लंडे के कपड़े पहनते थे और रिश्ता लेने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि एनु इनको रिश्ता देना है, उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन जब इन्होंने डैन कैश को ज्वाइन किया, जहां से ये 6 से 7,000 डॉलर मंथली कमा रहे हैं, उसके बाद वही इनके घर आकर इनको रिश्ता देने गई और ये कहा गया कि साडा जवाई सब तो सोना है। हालांकि तब भी ये भाई बिल्कुल ऐसे ही थे। इनकी स्टोरी क्या है, इन्हीं से जानेंगे। आप मुझे बताइएगा, आप कमाते कितना थे 2011 में और आज कितना कमाते हैं? तब मैं 125-30 रुपए पे दिहाड़ी करता था, अब मैं ऑनलाइन अपना काम कर रहा हूँ जो मैंने दान काश से सीखा है। अभी तकरीबन मैं 9 से 10 लाख मंथली कमा लेता हूँ। जब आप पतीसा बेचा करते थे तो आपने बताया कि 150 रुपए अभी दिहाड़ी नहीं थी, और अब दान काश को प्रेजेंट करने के बाद, इनके साथ काम करने के बाद, अब 10 लाख पर पहुंचे हैं, तो इसकी कोई आपके पास कोई रेमिटेंस भी है जो हम अपनी ऑडियंस को दिखा सकें? जी बिल्कुल, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं प्रूफ जितने भी हैं मेरे रेमिटेंस के, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा कमा रहा हूँ। जो प्रीवियस लाइफ थी वो काफ़ी टफ थी मेरी, मैं कभी जॉब के हक में था ही नहीं, मतलब कि मैं दिहाड़ी करूँ जाके, किसी फैक्ट्री में जाके जॉब करूँ। एक दिन मैं फैक्ट्री में भी गया, वो धागा बनाने वाली फैक्ट्री थी, तो वहाँ पे इतना शोर था कानों में उस मशीनों का, और जो रूह था वो आपके नाक में जैसे जा रहा हो। 3-4 दिन मैं बीमार रहा, फिर मैं नहीं जा सका। रात को मैं 2 बजे आता था, मेरी इंटर्नशिप थी वहाँ से, और आके मैं अपना जो खर्चा था अपने पेट के लिए होटल पे एज ए वेटर मैं वो अपना मैनेज करता था। आपने तो बड़ी एक ग्रास रूट लेवल से चीज़ों को स्टार्ट किया, पतीसे की पैकिंग, फिर वेटरिंग, फिर उसके बाद फैक्ट्रियों में आपने धक्के खाए, तो फ्रीलांसिंग के लिए, डिजिटल मार्केटिंग के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत होती है, तो आपने उसको कैसे ओवरकम किया? मुझे पहले ये लगता ही नहीं था कि मैं कभी इस लेवल पर पहुँच सकूँगा। मेरी एजुकेशन बिल्कुल नहीं थी, अंडर मैट्रिक था तब मैं। मैट्रिक भी नहीं किया हुआ आपने? मैंने मैट्रिक तब नहीं किया होता। अब तो लोग PhDs करके, MS करके, MPhils करके भी इतना नहीं कमा रहे 10 लाख, आप तो माशाल्लाह नेक्स्ट लेवल। जो डिग्रियां करके आते हैं ना वो भी मेरे पास आगे इंटर्नशिप करते हैं अभी, और मैं उनको भी स्किल लेवल जो है उनका भी इम्प्रूव कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत जरूरी हो गया। एजुकेशन अपनी जगह, लेकिन स्किल पर्सन होना एक अलग बात है। 10 लाख रुपए की अमाउंट तक पहुँचने तक आपको कितना वक्त लगा, और दान काश ने आपको सिखाया क्या क्या? मेरा रब्ता हुआ दान काश के साथ, तो इन्होंने काफी मेरी हेल्प की। इन्होंने मुझे पहले तो मुझे अंडरस्टैंड किया ना, सर काशिफ ने मेरी काफी हेल्प की इसमें, और मैम दानिया ने कम्युनिकेशन लेवल मेरा काफी बढ़ाया। इस लेवल तक मेरे पे मेहनत की कि जो क्लाइंट की तरफ से मुझे डॉक्यूमेंट रिसीव होता था ना, वो ये मुझे रोमन में कन्वर्ट करके देती थी कि इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, डिजाइन में ये चेंज कर दो। तो ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता चेंज होती गई। अक्सर जब क्लाइंट्स के साथ बात होनी तो मुझे मीटिंग्स में वो रखती थी कि ठीक है आप आए, आपका कम्युनिकेशन लेवल अप हो जाएगा। डिजाइन में अगर जाए तो डिजाइन में काशिफ सर ने मेरी काफी हेल्प की। डिजिटल मार्केटिंग या फ्रीलांसिंग जो है, जहां तक मैंने इसको ऑब्जर्व किया, ये फ्यूचर बनने जा रहा है। 5th जनरेशन वॉर है ये कि आप जूं जूं अपने आप को डिजिटलाइज नहीं करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांसिंग नहीं सीखेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। तो उन लोगों को कोई पैगाम देना चाहेंगे जो इतनी इन्वेस्टमेंट डिग्रीज में कर रहे हैं लेकिन अल्टीमेटली जो रिटर्न है वो ना होने के बराबर है? डिग्री में ये करने से मना नहीं करूंगा कि आप डिग्री ना करें, आप सिर्फ स्किल कर लें। डिग्री के साथ स्किल भी जरूरी है। स्किल के बगैर इस दौर में मेरा नहीं ख्याल आप मार्केट में चल सकते हैं। आपके पास स्किल होना बहुत जरूरी है। कितने कितने घंटे काम करते हैं आप? मैं कभी 3 घंटे, कभी 4 घंटे। ये पहले कितना काम कर रहे थे? पहले तो मैं 10 11
15-20 घंटे 24 घंटे 48 घंटे भी मैं बगैर सोए भी मैंने काम किया। अब ये आप जहाँ मर्जी अपनी बेगम के साथ घूमने फिरने गोलगप्पे खाने भी जा रहे हैं तो फ्रीलांसिंग करते रहते हैं? बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है। अभी मैं रिसेंटली गुजरात से होके आया हूँ और मुझे काम की कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि पोर्टेबल वर्क है। वहाँ पे तो इंटरनेट ही नहीं आता। बिल्कुल नहीं आता, लेकिन वहाँ कुछ ऐसे नेटवर्क है जो इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। ये देखें कितनी खुशाइन बात है कि हम लोग जब नारायण गगान कश्मीर खुंजराब पास इधर उधर जाते हैं, आप वहां जाकर भी काम कर सकते हैं। आप सोए हुए भी हैं, डॉलर्स बन रहे हैं धड़ाधड़, और उसके बाद फिर आप अपनी बेगम को साड़ियां लेकर दें, लहंगे लेकर दें। पहले आपके रिश्तेदारों का आपके साथ क्या एटीट्यूड था जब पतीसा भेजते थे और अब एटीट्यूड क्या है? काफी टफ है मेरे लिए उसको बयान करना क्योंकि रिश्तेदार ऑलवेज आपको ना डिस्टर्ब करते ही रहते हैं किसी ना किसी वे से। अगर आप खा रहे हो तो फिर भी आपको नहीं दे सकते, और अगर आप नहीं खा रहे हो तो वो बिल्कुल ही आपको नहीं देख सकते। मैंने अक्सर अपने रिश्तेदारों से कहा कि मुझे कोई काम दिलवा दें यार, किसी फैक्ट्री में रखवा दें, कुछ कर दें, मेरी रोजी का गुजरिया बन जाए, लेकिन कोई मेरे साथ नहीं चला। आखिर में पैगाम देना चाहें तो आप दे सकते हैं? आखिर में मेरा यही पैगाम है कि अगर आपके पास कुछ करने को नहीं है, आप मायूस होकर बैठे हुए हैं, कोई ना कोई स्किल ले लें अपना और उसको ऑनलाइन बेचना शुरू कर दें। ये मुश्किल काम नहीं है। आप दानकाश से रابطہ करें और इनके पास आएं, इनके पास काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज हैं, आपकी काफ़ी हेल्प होगी। जी हमने तंजो मजाक से भरपूर इनसे गुफ्तगू की और मकसद यही था कि इंटरव्यू जो है वो कहीं ना कहीं बोरिंग ना हो जाए। हमने इनकी मर्जी से इनका ये इंटरव्यू किया और आपको हम बताते चलें कि डैनकाश हमारी जो यूथ है और ख़ासतौर पर जो बेरोज़गार अफराद हैं उनकी ना सिर्फ एक ग्रूमिंग कर रहा है, इसके साथ साथ उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाता है। मुल्की मईशियत में एक फॉरेन रेमिटेंस का एक बड़ा हिस्सा जो है वो डैनकाश के हिस्से में भी आ रहा है, जिससे ना सिर्फ हमारे मुल्क का पहिया चल रहा है बल्कि मईशियत भी चल रही है। अगर आप में से कोई भी शख्स डिजिटल और फ्रीलांसिंग सीखना चाहता है, जिस तरीके से मैंने पहले बताया कि ये 5th जनरेशन वॉर है और जो शख्स इस वॉर में पीछे रह जाएगा वो कभी भी अपने आप को अपने कंपेटिटर्स के साथ मीट नहीं कर सकेगा। अगर आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा करना चाहते हैं तो आप बहुत कम अरसे में पार्ट टाइम भी ये काम कर सकते हैं। इनके कॉन्टैक्ट नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आपके माइंड में किसी भी किस्म की कोई है तो उस सिलसिले में भी इनकी वेबसाइट का लिंक जो है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें जाकर आपको A to Z 24/7 इनकी टीम्स ना सिर्फ रिप्लाई करेंगी, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और एक कलील मुद्दत में एक अच्छी अर्निंग कमाकर अपने और अपने प्यारों का पेट पाल सकते हैं। और किसी के साथ रह रहकर दिल भर जाए तो उससे बेहतर है इंसान बोतलें खाली भरकर फ्रिज में रख दे। अपने मेजबान यासर शामी को इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।